नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों का। खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा कस्बे में सोमवार के दिन अग्रवाल समाज के 18 से पधारे अग्रवाल समाज के लोग इससे महाराज अग्रसेन जन्म जयंती मनाई, जिस पर अग्रवाल समाज के कई स्थानों के पुरुष व महिलाओं व बच्चे बालिकाओं इसमें शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भातसोड़ा कस्बे में सोमवार के दिन पानी की टंकी के यहां से बैंडवाजा के साथ बग्गी में भगवान अग्रसेन की तस्वीर विराजमान कर दोनों तरफ चंबर डुलाते हुए चल रहे थे। इस शोभा यात्रा में दो घोड़े पर नन्हे मुन्ने बच्चों को बिठाकर शोभा यात्रा का जुलूस निकाला गया। जुलूस कुम्हारों के मोहल्ला होता हुआ रावला चौक एवं हताई चौक होते हुए पुणे सदर बाजार होते हुए कुम्हारों का मोहल्ला पानी की टंकी के यहाँ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज के व्यक्तित्व में जगह जगह बाहर से आने वाले अग्रवाल समाज के लोगों को स्वागत और अभिनंदन किया गया और समाज की ओर से बाहर से आने वाले व्यक्तियों को गले में ऊपर ना पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कस्बे में स्वागत द्वार लगाए गए और पूरे कस्बे में झंडे से सजाया गया। अग्रसेन जयंती पर सभी समाज के 18 गांव के सभी परिवार के लोग इस अग्रसेन जयंती में शामिल हुए और अगले वर्ष यह जयंती कहां और किस जगह मनाई जाएगी इसकी सप्रेखा तैयार की जाएगी। समाज के व्यक्ति संगठित रहे यही मूल उद्देश्य है। इसमें भातसोड़ा, मंगलवार, सावलिया जी, चिकाड़ा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, डूंगला में से आदि गांव से समाज के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि इस मौके पर अशोक अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, विमल अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल, कार्तिक अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, छोटू अग्रवाल आदि उपस्थित थे। इसको लेकर मेवाड़ क्षेत्र के चोकले के 18 गांव इसमें शरीक होते हैं और 18 ही गांव मिलकर एक साथ एक स्थान पर अग्रसेन जयंती मनाते हैं। महाराजा का जन्मदिन जो है उसको भव्य जुलूस के रूप में निकालते हैं और सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और एक साथ बैठ के एक ही मंच पर सारे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इससे समाज को एक नई दिशा मिलती है कि समाज एकत्र रहे। जहाँ 18 गांव में जहाँ कहीं दो गांव है, कितने कोई 10 घर है, कोई 5 घर है, कोई 20 घर है, तो ये सारे मिलके एक साथ अग्रसेन जयंती मनाने का कारण यही है कि सभी एकत्रित रहें, एक साथ रहें, इसका मूल उद्देश्य यही है। और अभी अग्रसेन महाराज की जो अग्रोहा में भव्य लक्ष्मी जी का मंदिर बन रहा है उसको लेकर भी रथ यात्रा निकाली गई थी। उस रथ यात्रा में भी सभी चोकला वासियों ने अच्छा सहयोग दिया, भरपूर हुंडियाँ भी कटवाई। सर, ये जुलूस कब और कहाँ से रवाना हुआ और किस किस मार्गों से गुजरा? ये पानी की टंकी के यहाँ से शुरू हुआ, मेन बाज़ार में होते हुए पूरे भातसोड़ा में भ्रमण किया और पुनः पानी की टंकी के यहाँ पहुँचा और यहाँ से सांवलिया जी चौराहे स्थित सांवलिया जी धर्मशाला में इसका कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं सारे समाज के लोग एकत्रित होंगे और वहीं पूरी अगले साल की नेक्स्ट ईयर अग्रसेन जयंती कहाँ मनाई जाएगी उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी।